और आइए अब युद्ध की 100 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं एक साथ, क्योंकि युद्ध ऐसा भीषण हो चला है कि हर तरफ वार पलटवार तेज होता जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि युद्ध की 100 ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बता रहे हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से बताते हैं, इसराइल का अल्टीमेटम खत्म होने में करीब 1 घंटा बाकी रह गया है। लोगों को नॉर्थ गाजा छोड़ने का अल्टीमेटम जारी हुआ है। शाम 6:30 बजे तक का ये अल्टीमेटम है, ये समय दिया गया है, तब तक लोग छोड़ सकते हैं। अमेरिका की अपील पर ये वक्त जो है, ये समय जो है वो बढ़ाया गया है। आसमान से लोगों को पर्ची इस तरह गिराकर संदेश दिया गया। और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, इसराइल के ग्राउंड फोर्सेस को इंतजार है 7:00 बजे का, जिसके बाद वो अपने ऑपरेशन शुरू करेंगी। इसराइली फोर्स ने गाजा बॉर्डर पर संभाला मोर्चा। स्पेशल ऑपरेशन में माहिर टीम की तैनाती की गई। रात में होगी बिल्डिंग्स और टनल की तलाशी भी। इसके अलावा इजरायली फोर्स ने 97 स्पॉट्स तय किए हैं। कमांड सेंटर से होगी ग्राउंड ऑपरेशन की मॉनिटरिंग। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मदद भी भेजी जाएगी। अटैक हेलीकॉप्टर भी हमले के लिए तैयार मोड पर आ चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़ चुके हैं गाजा बॉर्डर से, इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, सुमित आप इस वक्त क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि जो मियाद दी गई थी अमेरिका के कहने पर, इसराइल ने वो मियाद, वो समय बढ़ाया है लोगों को गाजा छोड़ने के लिए, अभी इस वक्त क्या आलम है, क्या हालात है? देखिए आलम, भले ही 6:30 बजे की मियाद हो, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि कल से जब से इसराइल की फोर्सेज अंदर घुसी हैं, करीबन 24 घंटे होने वाले हैं और ग्राउंड फोर्सेज को लगातार इंतज़ार है 7 बजे का। 7 बजे के बाद उनको कहा गया है कि आप अपने ऑपरेशंस को तैयार रखिएगा, अपने शुरुआत कीजिएगा और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को जिन पर आपने तय किया था उसके बाद उस पर काम करना शुरू कीजिएगा। उन स्ट्रैटेजीज़ के तहत ये तय किया गया है कि 7 बजे के बाद कभी 97 ऐसी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे हॉस्टेजेस हो सकते हैं। ये बिल्डिंग्स हैं, ये लगातार जो उनकी टनल्स हैं वो हैं, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा ग्राउंड ऑपरेशन द्वारा और लगातार उसमें उनकी मदद करेंगे वो लोग जिनको हॉस्टेज रेस्क्यू कराने का स्पेशलाइजेशन है, यानी वो लोग, वो टीम के लीड करेंगे जो लगातार ऐसे ऑफिसर जो ऐसे ऑपरेशंस को कई बार अंजाम दे चुके हैं, ऐसे ऑपरेशंस, ऐसे स्पेशल फोर्सेस के साथ उनकी यूनिट्स को कंबाइन किया गया है। इसके अलावा कमांड सेंटर से लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस सारे ऑपरेशंस को देखेंगे, कमांड करेंगे और जहां पर भी लैप्सेस नजर आएंगे, जहां पर भी ऐसा लगेगा कि इसराइल की फोर्सेस को कोई क्षति पहुंच रही है, कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो एडिशनल मूवमेंट की जाएगी हेलीकॉप्टर से, अटैक हेलीकॉप्टर से उनको एक 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 सपोर्ट दिया जाएगा। और ये सारी कोशिश इसलिए क्योंकि अब जो पहले फेज के ऑपरेशन शुरू होंगे इसमें कोई भी खामी ना बचे, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और इसराइल की फोर्सेस उन मिशन को अकम्प्लिश करे जिनके लिए वो वहां पहुंची हैं, यानी ना सिर्फ हमास को टारगेट करना, उनको मार गिराना, बल्कि हॉस्टेजेस को भी वहां से निकाल कर लेकर आना। निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, नज़र बना के रखिए और सेफ रहिए। फिलहाल सुमित बता रहे थे कि किस तरह से पॉकेट्स बनाए गए हैं, उन पॉकेट्स के जरिए वहां से ऑपरेशन चलाने की कोशिश अब की जाएगी IDF के जरिए।